Wow, first time in the history of YouTube, 414 words, मात्र 40 मिनट में. Please subscribe करें and घंटी बजाएं ताकि मैं आपको सैकड़ों वीडियो के माध्यम से English grammar and words सिखा सकूं. Friends, इसे WhatsApp पर शेयर अवश्य करें क्योंकि पढ़ो पढ़ाओ देश पढ़ाओ. ऐश्वर्या राय कमली है अर्थात सुंदर है. उनकी कमलीनेस सुंदरता, उनकी कमलीनेस अर्थात सुंदरता तथा एकम्प्लिशमेंट ने योग्यता ने एकम्प्लिशमेंट योग्यता ने सलमान खान को अफेक्ट किया, प्रभावित किया, अफेक्ट किया, प्रभावित किया. और सलमान फाल सिंह लव ऐश्वर्या, सलमान ऐश्वर्या से प्रेम कर बैठे. सलमान इसके कॉम्पिटेंट थे, योग्य थे. सलमान कॉम्पिटेंट थे, योग्य थे. अब वे डेलिबरेट पूर्वक, समझदारी पूर्वक, डेलिबरेट पूर्वक, समझदारी पूर्वक, हार्ट एंड सोल, हार्ट एंड सोल, दिलो दिमाग से, दिलो दिमाग से ऐश्वर्या के पीछे लग गए तथा वेडिंग के लिए, शादी के लिए, वेडिंग के लिए, शादी के लिए डिवाइस पर, उपाय पर डिवाइस करने लगे, विचार करने लगे. लेकिन वे ऐश्वर्या को एश्योर नहीं कर पाए, विश्वास में नहीं लिए. ऐश्वर्या फ्लेक्सिबल नहीं थी, चूंकि ऐश्वर्या फ्लेक्सिबल नहीं थी, लचीला नहीं थी, इसीलिए वे सलमान को ग्रेटिफाई नहीं कर पाई, संतुष्ट नहीं कर पाई, ग्रेटिफाई नहीं कर पाई. और उनका सुंदर चेहरा देखिए कैसे फॉर्मिडेबल हो गया, डरावना हो गया, फॉर्मिडेबल हो गया, डरावना हो गया, फॉर्मिडेबल, डरावना. चूंकि ऐश्वर्या का प्यार मात्र गाइज था, ऐश्वर्या का प्यार मात्र गाइज था, इसीलिए दोनों में एनिमिटी हो गया, शत्रुता हो गया, दुश्मनी हो गई, एनिमिटी हो गया, शत्रुता हो गया. और दोनों एक दूसरे का ह्यूमिलिएट करने लगे, ह्यूमिलिएट अपमान करने लगे, ह्यूमिलिएट करने लगे, अपमान करने लगे. लुनेटिक अर्थात ऐश्वर्या के प्यार में लुनेटिक सलमान ने कुछ इम्पेकेबल लोगों को, निर्दोष लोगों को, इम्पेकेबल लोगों को, निर्दोष लोगों को कुचल डाला, जिसके कारण ही वॉज पुट इन टू जेल, ही वॉज पुट इन टू जेल, उन्हें जेल में डाल दिया गया. सलमान, सलमान इसका कंपेंसेट किए, कंपेंसेट किए, क्षतिपूर्ति किए, कंपेंसेट किए, क्षतिपूर्ति किए, और उन्हें एग्जेम्प्ट कर दिया गया, वरी कर दिया गया, रिहा कर दिया गया. इसके इफेक्ट से, इसके प्रभाव से, इसके इफेक्ट से, प्रभाव से उनका चरित्र डिंजी हो गया, गंदा हो गया, डिंजी हो गया, गंदा हो गया. आज भी सलमान का प्यार ऐश्वर्या के लिए अबेट नहीं हुआ है, कम नहीं हुआ है. ऐसा लगता है कि वे ऐश्वर्या के प्यार को इंश्योर कर दिए हैं, सुनिश्चित कर दिए हैं. इंश्योर करना, सुनिश्चित करना जो हेरिडिटरी नहीं होता, अनुवांशिक नहीं होता, इसलिए यह बिखर जाता है. ऐसा 108 वीडियो के माध्यम से आपको हजार वर्ड पढ़ाएंगे, एक्सरसाइज 2. इसमें पूरी दुनिया को एक करने का कल्पना किया गया है. इस भाव को समझिए और पढ़िए. कई डिकेड्स के बाद, कई दशक के बाद सुनामी जैसे, सुनामी महासागरीय भूकंप जैसे कैलेमिटी आकर, आपदा आकर, कैलेमिटी आकर, आपदा आकर हमें पॉन्डर करने पर, हमें पॉन्डर करने पर, विचार करने पर मजबूर कर दिया कि पूरी दुनिया को, पूरी विश्व को ब्लेंड जाना चाहिए, मिल जाना चाहिए, पूरी दुनिया को ब्लेंड जाना चाहिए. जो पैरामाउंट है, अति महत्वपूर्ण है, अति आवश्यक है मिलना, तभी हम टावरिंग बन सकते हैं, विशाल बन सकते हैं. ऐसे अलायंस से, ऐसे गठबंधन से,
किसी भी देश को किसी देश पे मिसगिविंग नहीं रहेगा, संदेह नहीं रहेगा। और गॉन्ट देश के लोग, कमजोर देश के लोग भी फिक्कल रहेंगे, चंचल रहेंगे, फिक्कल रहेंगे, चंचल रहेंगे, क्योंकि उस समय देशों को एक दूसरे के एलिजियंस पर, वफादारी पर मिसगिविंग नहीं रहेगा, संदेह नहीं रहेगा। और हम सब मिलजुल कर छोटी कैलेमिटी पर, छोटी आपदा पर क्लैम्बर कर सकते हैं, विजय प्राप्त कर सकते हैं, उस पर चढ़ाई कर सकते हैं। कैटेस्ट्रॉफ तो किसी देश का नाम नहीं जानता, कैटेस्ट्रॉफ आपदा किसी देश को नहीं जानता, सिवाय इसके कि द अर्थ, पृथ्वी जो अपने एक्सिस पे घूम रही है उस पर स्क्रैम्बल करना है, उस पर विजय प्राप्त करना है। लेकिन हम लोग इसे कई एक्सल में बांट दिए हैं, धरती को कई देशों में, कई नामों में बांट दिए हैं। यही कारण है कि अमेरिका में भी जहां एडिक्वेट साधन है, जहां एडिक्वेट साधन है, पर्याप्त साधन है डिजास्टर से उबरने के लिए, आपदा से उबरने के लिए, डिजास्टर आपदा से उबरने के लिए अपने नागरिकों पर उसे लेवी लगाना पड़ता है, कर लगाना पड़ता है, इसके बावजूद दूसरे देशों को भी उस समय इंटरवीन करना पड़ता है, हस्तक्षेप करना पड़ता है, अर्थात मदद करना पड़ता है। यह बात मात्र होयरी लोगों को, बड़े बुजुर्ग लोगों को ही समझ में आती है। नाउ एक्सरसाइज थ्री। मुकेश अंबानी के पिताजी ध्रुवई अंबानी पे है, भारत में इंडस्ट्रियल क्षेत्रों के फोररनर, इंडस्ट्रियल माने औद्योगिक, फोररनर माने अग्रदूत। धीरूभाई अंबानी अब्रप्ट अचानक धन को अटेन नहीं किए, प्राप्त नहीं किए, एट द आउटसेट में, प्रारंभ में, जीवन के शुरुआत में, जब वे गाड़ी में इन्फ्लेट करते थे, हवा भरते थे, तब मालिक उन्हें ऑपरेस करने का, सताने का, दबाने का प्रयास करते थे, अर्थात उन्हें डिकम्पोज करने का, डिकम्पोज माने बर्बाद करने का एफर्ट किया, प्रयास किया। लेकिन वे काफी इंडस्ट्रियस थे, वे काफी इंडस्ट्रियस थे मेहनती थे, वे कभी फ्रस्ट्रेट नहीं हुए, निराश नहीं हुए, तथा अपने को मॉडिफाई करके भारत का सबसे अफ्लुएंट व्यक्ति बने, भारत के सबसे धनी व्यक्ति बने, अफ्लुएंट अमीर व्यक्ति बने, धनी व्यक्ति बने। और अपने आलोचकों के दिमाग से डिफ्लेट कर दिया, हवा निकाल दिया। वे अपने जुरिस्डिक्शन में रहकर, अधिकार क्षेत्र में रहकर, बड़ी फोर्टिट्यूड पूर्वक, बड़ी साहस धैर्य पूर्वक भारतीय डिग्री के अंतर्गत, भारतीय कानून के अंतर्गत वे अपने कार्य को भारत के संपूर्ण समूचे डायमेंशंस में, क्षेत्र में फैलाएं। फिर भी वे कभी हट्टी घमंडी नहीं हुए, वे कभी रगलेस भी नहीं हुए, क्रूर भी नहीं हुए। आजकल उनके पारिवारिक एस्कर्मिस के कारण, झगड़े के कारण उनके दोनों बेटों के बीच क्लेफ्ट आ गया है, दरार आ गया है। एक्सरसाइज फोर देशभक्ति पे है, पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति की प्रोवोकेशन, उत्तेजना से ओतप्रोत भारत के इनफाइनाइट सपूत, असंख्य सपूत, एस्टेटली भव्य, साजो वयस समान एवं क्लैड पोशाक पहने हुए, पोशाक में विश्व की क्लाइमेक्स सबसे ऊंची तथा अपेलिंग ड्रावना रणभूमि सियाचिन ग्लेशियर में स्टार्क पूर्णतः अलर्ट है, चौकन्ना है। क्योंकि हमारा यह कंसेप्शन, हमारा यह धारणा, हमारा यह विचार कि हमारा इलोक्वेंट मित्र,
हमारा बकबक करने वाला मित्र, इलोक्वेंट बकबक करने वाला मित्र कब फाल्टर करेगा, कब गलती करेगा, फाल्टर करेगा, गलती करेगा, कहना मुश्किल है। जैसा कि वह हमेशा भारत का स्लैंडर करने से, भारत का अपमान करने से कभी कभी पीछे नहीं रिपील होता है, कभी पीछे नहीं हटता है। रिपील होना, हटना, भारत उसे काफी कंसेशन देता है, छूट देता है, कंसेशन देता है, छूट देता है, लेकिन वह हमेशा दोस्ती की बात से, राह से डाइवर्ट हो जाता है, भटक जाता है। तथा सीमा को लांघने की एपिसोड, सीमा को लांघने की घटना उसके लिए नया नहीं है और भारत उसे रिपेल पा सकता है, छुटकारा पा सकता है। एक्सरसाइज 5, आउटसेट से ही, आरंभ से ही अमिताभ बच्चन की फैमिली, परिवार की, उनकी अपनी ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन कर्तव्य के लिए लोग उनकी साइट करते हैं, साइट करते हैं, चर्चा करते हैं, साइट चर्चा करना। अमिताभ अपने डोमेस्टिक मुद्दों पर, घरेलू मुद्दों पर, डोमेस्टिक घरेलू मुद्दों पर रिजोल्यूट रहते हैं, अडिग रहते हैं, रिजोल्यूट अडिग रहते हैं, क्योंकि वे इसे अग्रवेट करना नहीं चाहते, अग्रवेट करना बिगाड़ना, अग्रवेट करना नहीं चाहते, बिगाड़ना नहीं चाहते। जब करिश्मा कपूर ने वेडिंग के बाद भी, वेडिंग शादी, वेडिंग के बाद भी, शादी के बाद भी फिल्मों में काम नहीं करने के प्रस्ताव को इग्नोर कर दी, इग्नोर नामंजूर कर दी, नकार दी, तभी अभिषेक के साथ उनकी वेडलक पर, वेडलक शादी पर, अभिषेक के साथ उनकी वेडलक पर, शादी पर डिसकॉर्ड हो गया, असहमति हो गया, डिसकॉर्ड असहमति। अमिताभ अपने एक सच्चे डेलीगेट ग्रुप में, अमिताभ एक सच्चे डेलीगेट ग्रुप में, दूत के रूप में दुनिया को एक आदर्श परिवार बिस्टो चाहते हैं, बिस्टो चाहते हैं, देना चाहते हैं, बिस्टो, आपके स्क्रीन पे बिस्टो और इसका होता है देना। फ्यूजिटिव बनना चाहते हैं, फ्यूजिटिव भगोड़ा, और नहीं वैसी मिसस को, मिसस पत्नी, मिसस पत्नी को रिटेन चाहते हैं, रिटेन रखना चाहते हैं, जो ऑब्सिन, जो ऑब्सिन, ऑब्सिन अश्लील सीन देती है, दृश्य देती है, ऑब्सिन अश्लील सीन, दृश्य। चूंकि ऐश्वर्या राय मिनिमम, कम से कम, मिनिमम कम से कम गार्ब में, पोशाक में पर्दों पर नहीं आती थी, इसीलिए अभिषेक की नप्सल्स की, नप्सल्स की शादी की, नप्सल्स शादी की लायबिलिटी, लायबिलिटी जिम्मेवारी, लायबिलिटी जिम्मेवारी उनके कंधों पर लेडेन था, लेडेन था, लदा हुआ था, लेडेन लदा हुआ था, जो रेशनल था, तार्किक था, उचित था, रेशनल तार्किक था, उचित था। लेकिन धूम फिल्म में ऋतिक ने ऐश्वर्या को एसनॉग किया, एसनॉग किया, चुंबन किया, जिसे अभिषेक सस्टेन नहीं कर सके, सस्टेन नहीं कर सके, बर्दाश्त नहीं कर सके, और अपनी डिस्कोर्स में, डिस्कोर्स भाषण, डिस्कोर्स में, भाषण में ऐश्वर्या को इसके लिए रिव्यू किया, रिव्यू किया, डांटा। इसीलिए दोनों में बार्टर, बार्टर आदान प्रदान कुछ दिनों के लिए रुक गया था, लेकिन दोनों की नप्सल्स हो गई। एक्सरसाइज 6, हम लोग ओरिएंटल,
ओरिएंटल पूर्वी एशियाई देशों से संबंधित, ओरिएंटल पूर्वी एशियाई देशों से संबंधित सभ्यता को इग्नोर करते हैं, नामंजूर करते हैं, और ऑक्सीडेंटल सभ्यता पश्चिमी देशों की सभ्यता, ऑक्सीडेंटल सभ्यता पश्चिमी देशों की सभ्यता को एडवांटेजियस मानते हैं, लाभदायक मानते हैं, जिसका प्रभाव लड़कियों पे ज्यादा है, क्योंकि आजकल जींस हाफ आधा और शॉर्ट शर्ट या अन्य गौड़ी पोशाक भड़कीला पोशाक एक्साइटमेंट वाले पोशाक पहनते हैं, और जो लड़के हैमलेट गांव से आकर अपने गेट को कदम को कैंपस में रखते हैं, विश्वविद्यालय परिषद में रखते हैं, यूनिवर्सिटी कैंपस में रखते हैं, उन्हें मैम कर देते हैं, अपंग कर देते हैं। ये अपसर्ड लड़के, ये मूर्ख लड़के अपने एलिवेटेड उत्साहित गोल को लक्ष्य को एडजॉर्न कर देते हैं, स्थगित कर देते हैं, त्याग देते हैं। पिताजी घर को इवैक्यूएट करके खाली करके आवश्यकता अनुसार करेंसी देते हैं और वे अपने आउटले को लागत को सही समझते हैं। लेकिन इस रुपए को मुद्रा को उसे कैटर करते हैं, उसे परोसते हैं, उसे देते हैं जिससे एडजॉइन के लिए मिलने के लिए वे अपनी पढ़ाई तथा रिपास्ट भोजन को भी फॉरफिट कर देते हैं, त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं। यह उन्हें अत्यधिक बामी लगती है, सुहावना लगती है, यह अत्यधिक बामी लगता है, सुहावना लगता है, क्योंकि उनका प्राइम लक्ष्य, उनका मुख्य लक्ष्य वही बन जाती है, प्राइम लक्ष्य वही बन जाती है। एक्सरसाइज 7, नाना पाटेकर एसर्ट है कि एसर्ट मींस कहना, नाना पाटेकर का कहना है कि 80 आउट ऑफ 100 बेईमान, 100 में 80 बेईमान, फिर भी मेरा भारत महान। वे इस बात का एसर्ट किए, दावा किए, जिससे भारत का रेवरेंस, सम्मान, प्रतिष्ठा सही मायने में एव नहीं हुआ, कम नहीं हुआ, बल्कि चतुर लोग जो गलत कार्य करके आगे बढ़ने का इंपल्स रखते हैं, तीव्र इच्छा रखते हैं, उन लोगों को नाना पाटेकर ने रिप्रूव किया, डांटा। वे भारत को कुछ ऐसा इंडो चाहते हैं, ऐसा देना चाहते हैं जो भारत के लिए फैटल सिद्ध नहीं हो, घातक सिद्ध नहीं हो। इसीलिए उनकी इंटेलेक्ट बुद्धि से टीम वक्तव्य को, भरा हुआ वक्तव्यों को सुनकर सब स्पेल बाउंड हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वे एक ऐसे कास्ट हैं, एक ऐसे पात्र हैं, अभिनेता हैं, जो जाति का रेफरेंस नहीं करते, पहचान नहीं करते, क्योंकि वे हिंदू मुस्लिम के खाई को मिटाने के लिए इसे रिकॉग्नाइज को कहते हैं। सचमुच वे पर्दों का ही नहीं बल्कि भारत के ट्रू नायक हैं, जिसके लिए यह स्टेटस, यह पद, यह ओहदा उचित है, क्योंकि वे मेडिएवल से भी, मध्यकाल से भी पहले की स्थिति लॉन्ग है। लॉन्ग मीन्स चाहना, चाहते हैं, जो प्रेजवर्दी है, प्रशंसनीय है, प्रेजवर्दी, प्रशंसनीय। इस तरह से वे हिंदू मुस्लिम के खाई को रिप्लेनिश करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं। एक्सरसाइज 8, मॉडर्न इपोक में
मॉडर्न आधुनिक इपोक युग, मॉडर्न इपोक में प्रेमी या प्रेमिका पारासाइट बन गए हैं, पारासाइट परजीवी, क्योंकि प्रारंभ में वे लुम चाहते हैं, लुम दिखाना, लुम चाहते हैं कि उनका प्यार लैला मजनू की तरह एस्पेसियस है, विस्तृत है, काफी गहरा है, क्योंकि वे दोनों प्रिज्यूम हैं, मानते हैं, प्रिज्यूम मानना कि वे जब बिछोड़ने का समय आएगा तब वे एक साथ गंगा में सबमर्ज हो जाएंगे, डूब जाएंगे, या लावा में जलकर, लावा ज्वालामुखी से निकलने वाली अग्नि में जलकर भस्म हो जाएंगे, अर्थात वे अपने प्यार को बूंद सिद्ध करना चाहते हैं, बूंद वरदान जो भविष्य में फले फूले। अब उन दोनों में जो साइकोफेंट होता है, साइकोफेंट परजीवी होता है, वह ऑब्जर्व शुरू करता है, चूसना शुरू करता है, और जब उसे थ्रीसोल्ड चौकट को पार कर नफसल जीवन के लिए कहा जाता है, वैवाहिक जीवन के लिए कहा जाता है, तो वह सब ऑर्डिनेट या अभी आपके सामने सबसीक्वेंट बाद का गीत गाता है, और ऐसे करके जब टार्डी हो जाती है, टार्डी विलंब हो जाती है, देर हो जाती है, तब वह सब ऑर्डिनेट व्यक्ति, कनिष्ठ व्यक्ति, छोटा दिमाग का व्यक्ति उससे सन चाहता है, छुटकारा चाहता है, उससे छुटकारा पाना चाहता है, और अंत में उसे नकारात्मक रिटोर्ट देता है, रिटोर्ट जवाब देता है। इनमें जो इम्पेकेबल होते हैं, इम्पेकेबल निर्दोष, इन दोनों में जो इम्पेकेबल होता है, निर्दोष होता है, वह प्यार करना एक तरह से अर समझता है, अर गलती समझता है, अर गलत करना समझता है, लेकिन हॉनर परजीवी इस कार्य को पुनः दूसरे के साथ रिज्यूम करता है, रिज्यूम प्रारंभ करना, पुनः फिर से प्रारंभ करता है। इस तरह से वह प्यार के धागा को टैपर करता है, टैपर कमजोर करना, पतला कर देना। सचमुच ऐसे प्रेमी और प्रेमिका लार्वा होते हैं, लार्वा का अर्थ होता है कीड़ा मकोड़ा की तरह होते हैं। एक्सरसाइज नाइन पहले की फिल्म सामाजिक थीम पर आधारित होती थी, सामाजिक थीम विषय पर आधारित होती थी। उस समय के फिल्मों में यदि पत्नी पति को रिएक्ट देती थी, जवाब देती थी, तो इसके मीडियम से, इसके माध्यम से समाज में वेलोसिटी से गति से, रफ्तार से सही परिवर्तन होता था। चूंकि उस समय स्टेशनरी का सदुपयोग, स्टेशनरी लेखन सामग्री का सदुपयोग समाज कल्याण के लिए किया जाता था, इसीलिए वे फिल्में आधुनिक फिल्मों की अपेक्षा अधिक स्टेशनरी हुआ करती थी, अधिक टिकाऊ, अधिक स्थिर हुआ करती थी, और स्थिर होने के साथ साथ समाज का कोर हुआ करती थी, समाज का केंद्रक हुआ करती थी। इसी कारण से लोगों का उन फिल्मों में इनसेपरेबल, अटूट, कभी समाप्त नहीं होने वाला, अटूट इनसेपरेबल विश्वास था। लेकिन आजकल के फिल्में समाज को डिफाइल करने में, गंदा करने में ऑक्सिलियरी होती है, सहायक होती है। इसीलिए
ये फिल्में ड्यूरेबल नहीं होती, टिकाऊ नहीं होती, आज लगती है कल उतर जाती है। फिल्म निर्माता विज्ञापन प्रचारकों से इनकाउंटर करके, मुलाकात करके, मिल करके, हमसे, हम जनता से इंट्रीट करके कहते हैं, विनती करके कहते हैं कि उनकी फिल्में अच्छी हैं, लेकिन जब हम पारिवारिक कॉप्स के साथ, पारिवारिक काफिले के साथ, पूरे परिवार के सदस्यों के साथ हॉल में होते हैं तो अश्लील इनकाउंटर को देखकर, इनकाउंटर भिड़ंत को देखकर हमारी फ्रेंजी बढ़ जाती है, हमारी बेचैनी बढ़ जाती है, फ्रेंजी बेचैनी बढ़ जाती है और हम फिल्मों को छोड़ देते हैं। स्पष्ट है कि आज के फिल्म निर्माताओं का उद्देश्य रुपया एक्सट्रैक्ट करके, वसूल करके गैरेज बनाना है, महल बनाना है। एक्सरसाइज 10, दिल की डायलेक्ट को, दिल की भाषा को समझने वाली लूनर मुखी, लूनर चंद्र, लूनर मुखी, चंद्रमुखी तथा अक्यूट समझदार और अक्यूट गंभीर पत्नी को अचीव करने के साथ ही, प्राप्त करने के साथ ही हमारे जीवन से सस्पेंस संदेह करना और एजिटेशन अशांति का सदा के लिए जीवन से अबोलिशन हो जाता है, समाप्ति हो जाता है, अबोलिशन हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और जो व्यक्ति जीवन को फ्रूटलेस समझते थे, बेकार समझते थे, जो जीवन को फ्रूटलेस समझते थे, बेकार समझते थे, वे भी उसे जस्टिफाई करते हैं, सही ठहराते हैं तथा जीवन को बेनिफिशियल मानने लगते हैं, लाभदायक मानने लगते हैं, जीवन को बेनिफिशियल लाभदायक मानने लगते हैं। आजकल रेशियो निकालने पर, अनुपात निकालने पर हम पाते हैं कि ज़्यादातर वैवाहिक जीवन मैटेरियली पर टिका होता है, मैटेरियली पर टिका होता है अर्थात रुपया पैसा पे टिका होता है, जिसे पति पत्नी को मिलकर प्रोहिबिट चाहिए, रोकना चाहिए, प्रोहिबिट रोकना, क्योंकि रुपयों पर टिका संबंध समाज को टेंट करता है, गंदा करता है। और जिनके पास रुपए नहीं होते हैं वे नप्सल्स को, सारी को एस्कॉर्ज मानते हैं, एस्कॉर्ज मानते हैं, अभिशाप मानते हैं। और जिनकी पत्नी आगे चलकर सोलरमुखी हो जाती है, सूर्यमुखी हो जाती है, सूर्य की तरह ज्वाला उत्पन्न करने वाली हो जाती है, तो वे जीवन से सस्पेंशन चाहते हैं, सस्पेंशन चाहते हैं, निकासी चाहते हैं, वो बाहर जाना चाहते हैं। 11, लेजिस्लेशन कानून को कितना भी ड्रास्टिक क्यों ना बनाया जाए, कठोर क्यों ना बनाया जाए, लेकिन डौरी प्रथा को डाउन राइट पूर्णतः कंप्लीटली समाप्त नहीं किया जा सकता। लव प्रेम को नजरअंदाज करके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्से के गला को कंप्रेस करके दबा करके निर्दयी उसे लैंडस्केप से, भू नजारा से, इस जगत से दूर कर देता है, दुनिया से दूर कर देता है, जिसके के कारण लैस के माता पिता, लड़की के माता पिता प्लेंटिव सोकाकुल हो जाते हैं। पुलिस उस परिवार को कंप्रीहेंड
समझाना, कॉम्प्रीहेंड समझाना, और मलहम कंप्रेस करने के बजाय, मलहम पट्टी करने के बजाय, उनको समझाने बुझाने, उनको संत्वना देने के बजाय उनका साथ अवंडन देती है, उनका साथ छोड़ देती है और उन्हें भी सताती है। प्लेंटिव अभियोगी, प्लेंटिव अभियोगी कोर्ट में अपना एडवोकेट रखता है, अपना पक्ष रखता है, एडवोकेट रखता है, पक्ष रखता है, लेकिन उसे कुछ प्राप्त नहीं होता। काश पत्नी प्रेम की बैक्टीरिया को जीवाणु को कृत्रिम रूप से जनरेट किया जाता, कृत्रिम रूप से उसको पैदा किया जाता, जनरेट किया जाता, बनाया जाता और इसे मैग्नीफाई करके, बढ़ा करके मैग्नीफाई करके और वातावरण में छोड़ दिया जाता और विशेषकर मैरिन पानी में, समुद्री पानी में मिला दिया जाता, ताकि सब लोग प्रेम की बारिश में स्नान करते और सी एस्केप का माला पहनते ताकि यह हार्ट समुद्र जैसा गहरा हो जाता। इससे सब लोग प्रेम के पार्टिसन बन जाते, प्रेम के समर्थक बन जाते, न कि सब्सक्राइब करें। एक्सरसाइज 12, एक बहुत महत्वपूर्ण मैक्सिम है, कहावत है, जिसे दुनिया का कोई इंसान अस्पर नहीं सकता, उसे नकार नहीं सकता, क्योंकि ईश्वर सब पर इस कहावत को इनेक्ट करते हैं, लागू करते हैं। वह है नो नॉलेज विदाउट कॉलेज, नो लाइफ विदाउट वाइफ। इस पर हम लोग ब्रूड करते हुए, विचार करते हुए, चिंता करते हुए हम लोग ईश्वर से बिसीज करने लगते हैं, प्रार्थना करने लगते हैं कि काश उस पवित्र जीवन को ईश्वर तुरंत डिस्प्ले कर देते, दिखा देते। काश यह विद्यार्थी जीवन फ्लिटिंग होता, फ्लिटिंग माने कम समय का होता, अर्थात तुरंत नौकरी मिल जाता। हम लोग आज से ही एंटीसिपेट करते हैं, अनुमान लगाते हैं कि यदि बहुत ही अच्छा अकोमोडेशन हो, रहने का स्थान हो, तो सचमुच ब्रूड बच्चों से भरा हुआ परिवार बहुत ही अच्छा लगता है। आह, बीवी के हाथ का मेलो भोजन, बीवी के हाथ का पका हुआ भोजन, वो बच्चों का तुतलाता डायलॉग, जो दो बच्चे आपस में वार्तालाप करते हैं डायलॉग, और माँ और पिताजी का मोनोलॉग संभाषण, पिताजी अकेले आपको कुछ समझाते हैं, बताते हैं, यह सब पॉन्डर करके, इन सारी बातों को विचार करके, पॉन्डर करके हम मायूस हो जाते हैं और फिर दिमाग में आता है कि ड्यूबियस अनिश्चितता की स्थिति में पत्नी का लेख, जो पत्नी कुछ लिख करके देती है, ये लाना है, वो लाना है, और इससे उबरने के लिए डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन, और कुछ समस्या हो तो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन नुस्खा, इन सबको म्यूज करके, इन सबको विचार करके पुनः पढ़ाई में हम लोग जोर शोर से लग जाते हैं, एक्सरसाइज 13, कॉन्वेंशनल व्यवहारिक रूप से सभी भारतीय सैनिकों का यह डॉक्ट्रिन रहता है, यह सिद्धांत रहता है कि वे परमवीर चक्र को अक्वायर करें, प्राप्त करें, परमवीर चक्र को अचीव करें। यही कारण है कि विश्व की सबसे अल्टीट्यूड चोटी, ऊंची चोटी जिस पर बर्फ
इनवेलप रहता है, जिसे बर्फ हमेशा इनवेलप की रहता है, ढका रहता है, उस पर हमारी इनविंसिबल सेना, अजय सेना, जिस सेना को कोई जीत नहीं सकती है उसी को बोलते हैं इनविंसिबल, अजय सेना, रिजिड है, अड़िग है, कठोर है, उसको कोई डिगा नहीं सकता। सियाचिन में एम्पल मात्रा में, सियाचिन में पर्याप्त मात्रा में, एम्पल मात्रा में भारतीय सैनिक रिजिड यातनाएं झेलते हैं, कठोर यातनाएं झेल रहे हैं, कठोर यातनाएं झेलते हैं, लेकिन भारत सरकार सबको परमवीर चक्र अलॉट नहीं, भारत सरकार सबको परमवीर चक्र नहीं प्रोवाइड करती है। हमारा देश ऐसा है कि समझौता को डिस्क्लेम कर देता है, नकार देता है और तुरंत युद्ध का प्रोक्लेम कर देता है, तुरंत युद्ध का घोषणा कर देता है, प्रोक्लेम घोषणा करना कर देता है, उसके एसॉल्ट को, उसके आक्रमण को एसॉन्डर रूप से भयानक रूप से जवाब देने के लिए हमारी सेना तत्पर है। और जो सैनिक दुश्मनों को सबसे अधिक पीक करते हैं, चोट पहुंचाते हैं, दुश्मनों को ज्यादा मारते हैं, उन्हें परमवीर चक्र मिलता है। सचमुच हम सब भारतीय अपने सैनिकों का डेटर है, ऋणी है, हम अपने सैनिकों के ऋणी हैं और हमारे सैनिक क्रेडिटर हैं, हमारे सेना, भारतीय सेना ऋणदाता है, वे ऋण स्वरूप हमें सब चीज दिए हैं, शांति चैन, क्योंकि उन्हीं लोगों के कारण भारतीय रिसोर्सेस, भारतीय संसाधन, भारतीय रिसोर्सेस बचा हुआ है। एक्सरसाइज 14, लड़कियां मर्सी, फर्टिलिटी और पीस की इम्ब्लेम होती है, इम्ब्लेम प्रतीक होती है, एम्ब्लेम होती है, प्रतीक होती है, वे साक्षात लक्ष्मी की स्टैचू होती है, लड़कियां साक्षात लक्ष्मी की स्टैचू होती है, जिनके आने से घर में प्रॉस्पेरिटी आती है, संपन्नता आती है, वे दिल से हमीर होते हैं, दिल से बहुत ही आद्र होते हैं, क्योंकि दूसरों के दुखों पर भी वे अपने टीयर को, वे अपने आंसू को कर्म करने में, रोकने में असमर्थ होती हैं। लैस लड़की हमेशा दूसरे के डेलिकेसी को, दूसरे के स्वाद को अपना मानती है, कभी बिगेटर के लिए, कभी माता पिता के लिए, तो कभी ब्रदर के लिए, कभी भाई के लिए, तो फिर कभी हस्बैंड के लिए, वे हमेशा दूसरे के लिए ही जीते हैं। जब लड़के वाले अपने पुत्र की मूल रूपी पत्र को प्रोजेक्ट करते हैं, दिखाते हैं, जिसमें लिखा रहता है कि ये रुपए चाहिए, ये सामान चाहिए, लड़के वालों के यहां कंसाइन करते हैं या प्रेषित करते हैं, भेज भी देते हैं, तो इसके प्रीफेस में, प्रस्तावना में ही रुपयों की बात होती है, सबसे पहले उसमें रुपए की बात होती है। और जिनके पास रुपए अवेलेबल नहीं होता, उपलब्ध नहीं होता, लड़कियां इतनी पोटेंट होती हैं कि उनके पिताजी लड़कों को परचेज कर लेते हैं, खरीद लेते हैं। इन स्पाइट ऑफ इट, इसके बावजूद लड़की अपने माँ बाप को रेलिंक्विश करके त्याग करके पति के यहां जाती है, जो दुनिया का सबसे बड़ा सैक्रिफाइस है, बलिदान है। कुछ लड़की वालों के यहां दहेज का कुछ भाग रेमिनेंट बच जाता है, शेष बच जाता है, तो कल ट्रेडिंग्स आता है, समाचार आता है कि ओइंग टू डॉरी दहेज के कारण लड़की को जला दिया गया। काश यहां लड़की शब्द का प्रयोग नहीं किया था, पत्नी शब्द का प्रयोग किया था, जो एक कंटेम्पटिबल भी है, शर्मनाक है, और कंटेम्पटिबल के साथ साथ यह कंटेम्पचुअस भी है, निंदनीय है कि पुलिस उन्हें पकड़ती नहीं। और हमारा एसटीएचयूटी भी संविधान भी इसे कर्म में रोकने में असमर्थ है, क्योंकि यह सामाजिक प्रोजेक्ट बन चुका है, सामाजिक परियोजना बन चुका है,
जो गलत है, बिल्कुल गलत है दोस्तों। एक्सरसाइज 15, तीन डिकेड्स पहले, डिकेड्स अर्थात दशक, तीन डिकेड्स पहले भारत में हमेशा पेस्टिलेंस महामारी के बादल पॉइज्ड रहता था, मंडराता रहता था, और किसी समय मर्थ को हंसी खुशी को बिल्कुल मेलंकली में, उदासी में चेंज कर देता था, बदल देता था। उस समय की सरकारें करेंट स्थिति का, मौजूदा स्थिति का कोप करने के लिए, कोप मींस सामना करने के लिए डिस्पोज्ड नहीं रहती थी, तैयार नहीं रहती थी, जिसका परिणाम ये आता था, डिस्पोज नहीं रहती थी। इसीलिए एपिडेमिक महामारी बहुत बड़ा एमीस पैदा करके, बहुत बड़ा गड़बड़ी पैदा करके समाज में सबको ब्लीक कर देता था, सबको निराश कर देता था, तथा सरकार उसे रेस्ट्रेन चाहती थी, रोकना चाहती थी उन समस्याओं को, लेकिन संसाधन उन्हें रेस्ट्रिक्ट कर देती थी। सरकार के पास संसाधन नहीं था और संसाधन उन्हें रेस्ट्रिक्ट कर देती थी, रोक देती थी। एड्स जैसी बीमारी के ड्रावना काउंटेनेंस हाव-भाव के कारण ही आज की सरकार को समाज की कुछ बुराइयों को डिपोज करने में, मिटाने के लिए ऑफिसरों को चाइल्ड नहीं करना पड़ता, नहीं डांटना पड़ता। बहुत लोग मनहूस होते हैं, लेकिन उन्हें भी काउंटेनेंस स्वीकारना पड़ता है कि मानव और पृथ्वी यह मैटर्नल और पैटर्नल, मैटर्नल और पैटर्नल संपत्ति नहीं है, और इसे बचाने के लिए हमें तत्पर रहना होगा। एक्सरसाइज 16, फोर्थ विद ही शीघ्र ही हम लोग दिन प्रतिदिन प्रोडिगल होते जा रहे हैं, खर्चीला होते जा रहे हैं, जो बैंक करप्ट होने का कंगाल होने का एक सिंबल है, प्रतीक है। वैसे भी हम लोग आजकल श्रेड चिरकुट मीन्स फटा चिटा कपड़ा, अर्थात जैसे तैसे पोशाक पर ज्यादा खर्च करते हैं, और इन्हें पहनकर यह इंटीमेट करते हैं, यह दिखाना चाहते हैं कि हम लोग भी अंग्रेज बन गए हैं, और यह वेरीफाई करते हैं तो पाते हैं कि ऐसा कॉस्ट्यूम पोशाक हमारे रेस्प्लेंडेंट बदन को, खूबसूरत बदन को अपनी खूबसूरती बिखरने से भी डिप्राइव कर देता है, रोक देता है, वंचित कर देता है। और ऐसे गारमेंट में, ऐसे पोशाक में हम सलेन दिखते हैं, चिड़चिड़ा दिखते हैं, जैसे घिसा हुआ जींस और शॉर्ट शर्ट छोटा कमीज पहनकर हम दूसरे को प्रोसिक्यूट करते हैं, सताते हैं, जिससे दूसरा अपने सोल में, अपने आत्मा में गलत भावना को डिराइव करता है, गलत भावना उसके मन में आती है, प्राप्त करता है, और कुछ गलत होने पर प्रोसिक्यूट करना पड़ता है, मुकदमा चलाना पड़ता है। एग्रीगेट मिलाकर, कुल मिलाकर ऐसे कपड़ों से हमें असभ्य बनने का प्रयास करते हैं। यदि हम किसी से इंटीमेट घनिष्ठ संबंध चाहते हैं तो हमें सभ्य बनना होगा, लेकिन हम अंग्रेजों के विचुअल्स का नकल कर सकते हैं, रसद जो उनका खान पान है, क्योंकि अंग्रेज मोल्टेन पदार्थ का, तरल पदार्थ का खाने में ज्यादा प्रयोग करते हैं, जो एडवांटेजियस है, जो लाभदायक है। एक्सरसाइज 17 जो बिपाशा बसु जी पे फिल्माया गया है, आप एंजॉय कीजिए और वर्ड सीखिए। बिपाशा बसु का आस्पेक्ट मुखड़ा
सभी लोगों को लियोर करती है, लियोर करती है, ललचाती है, लुभाती है, और उनकी मुस्कुराती काउंटेनेंस, मुखड़े मुस्कुराती हुए काउंटेनेंस मुखड़े का एक सेम्बलेंस पाने के लिए, एक झलक पाने के लिए, एक सेम्बलेंस पाने के लिए, एक झलक पाने के लिए होड़ भीड़ तुरंत कंपोज्योर खो बैठता है, आत्मसंयम खो बैठता है, कंपोज्योर खो बैठता है, आत्मसंयम खो बैठता है। लोग रुपए को मस्टर करके, रुपए को इकट्ठा करके, मस्टर करके इकट्ठा करके बिपाशा जी के फिल्मों को देखने जाते हैं, और रिकम्पेंस के रूप में, मेहनताना के रूप में, आखिर मेहनत तो किया गया, पैसा लाया, इस रिकम्पेंस मेहनताना के रूप में वे चाहते हैं कि टाइमली एकदम समय से, टाइमली समय से उनका नाचना पसंद करते हैं। जब वे इस नाचना शुरू करती हैं तब लोगों के कान एवं आंख के वेंट, पहल वेंट मीन्स छिद्र, लोगों के कान एवं आंख के वेंट पहले की अपेक्षा अधिक विटिलिटी हो जाता है, विटिलिटी तेज हो जाता है। और जब वे इसमें टैरी करती हैं, विलंब करती हैं, देर करती हैं, तो लोग ऑडो करने के साथ साथ शोरगुल करने के साथ साथ अनाप शनाप वेंट करने लगते हैं, अनाप शनाप वेंट करने लगते हैं, अर्थात उगलने लगते हैं, बोलने लगते हैं, और उस फिल्म को बकवास बताते हैं। क्योंकि कोइंसिडेंस से संजोग से उनकी फिल्म देखने का नसीब होता है, और सारे कल्ट के लोग, सारे समुदाय के लोग, सारे कल्ट के लोग बिपाशा जी को खुशियों तथा आनंद का होड समझते हैं, भंडार समझते हैं। फिल्म हमारी कल्चर का, फिल्म हमारी संस्कृति का धरोहर है, और मर्थ जीवन के लिए वाइटल है, आवश्यक है। एक्सरसाइज 18 भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान, प्रत्येक देशों को अपना डिस्टिंग्विश करने का, पहचान बनाने का अधिकार कॉन्फर करती है, अधिकार देती है, अधिकार कॉन्फर करना देना, और कि हम लोग क्रिटिकल मुद्दों पर भी, अर्थात क्रिटिकल का दो अर्थ हुआ, एक गंभीर और एक महत्वपूर्ण, के साथ साथ अपने डिस्क्रेशन को दर्शाते हुए, अपनी परिपक्वता को दर्शाते हुए, हम अपनी डिस्क्रेशन के अनुसार, प्रत्येक वर्ड का दो मीनिंग है मित्रों, यूज के आधार पर उसका मीनिंग दिया गया है, देश हित में दूसरे देशों के साथ कॉन्फर कर सकते हैं, वार्ता कर सकते हैं, डिस्पोजिशन का स्वास्थ्य का तेजी से बिगड़ने जैसे इन्वॉल्व्ड मुद्दों पर WHO से मदद लिया जा सकता है, जो स्टेचुटी से बाहर है, जो संविधान से बाहर है। एड्स को रोकने के लिए या इसे एक्सट्रैक्ट करने के लिए, जड़ से समाप्त करने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए सब देशों को एक साथ अंतर्ग्रस्त होना पड़ेगा, या सबको एड्स निरोधक टीका इंस्टॉल करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, या उन लोगों को गलत चीजों से डिस्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, भटकाना पड़ेगा, गलत चीजों से इधर दूसरे दिशा में मोड़ना होगा। एड्स और यह सब देश के सेट ऑफ लॉज से बाहर है, नहीं, और मानवता के हित में है, अन्यथा सारे लोग, यदि उपाय नहीं किया तो सारे लोग ऐसे ही क्वेरी बन जाएंगे, बालू के ढेर बन जाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे सब लोग एड्स के क्वेरी होते जा रहे हैं, शिकार होते जा रहे हैं। और लेखकों के डिस्टिंग्विश का, चरित्र चित्रण करने का, डिस्टिंग्विश करने का हिस्सा बनते जा रहे हैं। सब पढ़े, सब